केरल सरकार ने मंगलवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2.5 दशक पुराने जासूसी मामले के निपटारे के लिए 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया है। आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने उन्हें इस मामले में जबरन फंसाया था। ये मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नारायण को काफी यातनाएं दी गई हैं। इतना ही नहीं, सालों तक जब इन्हें न्याय नहीं मिला और ये बेकसूर नहीं साबित हुए थे तब तक इन्हें देश का गद्दार कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूर्व वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि नारायण इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं और वो उचित मुआवजे के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन्हें 10 लाख रुपए की राहत देने का भी आदेश दिया था। दरअसल वर्ष 1994 के इसरो जासूसी मामले में नारायण को उनके वरिष्ठ अफसरों, मालदीव की 2 महिलाओं और एक कारोबारी के साथ गिरफ्तार किया गया था। नंबी नारायण के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 2 कथित मालदीव महिला खुफिया अधिकारियों को रक्षा विभाग से जुड़ी गुप्त जानकारियां लीक की हैं। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दुश्मन देशों को काउंटी के क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के कुछ गोपनीय दस्तावेज और रहस्य हस्तांतरित किए हैं। इस मामले में नारायण को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि सीबीआई ने वर्ष 1995 में ही उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसरो के इस सनसनीखेज जासूसी मामले को लेकर अब तक कई किताबें लिखी गई हैं। वहीं नंबी नारायण को पिछले साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।